हे दोस्तों, मॉम एंड किड्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा गर्भावस्था के दूसरे महीने में मां के लक्षण, कैसे ख्याल रखना है और शिशु का साइज। आज के वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था का पहला, दूसरा, तीसरा महीना यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आहार और डाइट चार्ट। ये डाइट चार्ट हमने पहले महीने की गर्भावस्था में भी दिया है। ये डाइट चार्ट आप पहला, दूसरा, तीसरा महीने में फॉलो जरूर कर सकते हैं। गर्भावस्था के पहले तीन माह में कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन, विटामिन डी से युक्त आहार आपको लेना है, जिसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में भी दी थी। जितना संभव हो उतना पोषक भोजन ले, संतुलित आहार लेने पर जोर देना चाहिए। इस तिमाही में आपको ज्यादा से ज्यादा द्रव्य पदार्थ लेना है, अनाज, हरी सब्जियों का सेवन करना है। ज्यादा से ज्यादा खट्टे फलों का सेवन करें जिसमें प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। उसके साथ ही आपको दूध से बने हुए उत्पादन का सेवन करना है जिसमें कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम गर्भस्थ माँ और शिशु दोनों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम जितना शिशु की हड्डियां बनने के लिए फायदेमंद होता है, उतना ही वो माँ के शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। इसके अलावा अधिकांश डॉक्टर सप्लीमेंट की सलाह देते हैं, क्योंकि ये विकास के प्रारंभिक चरणों में किसी भी जन्म दोष को रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो डॉक्टर जो भी आपको सप्लीमेंट दे वो जरूर लेना चाहिए। तो हमने अभी क्या जाना, हमारे आहार में हमें संतुलित मात्रा में तत्वों का शामिल होना जरूरी है। तो हम अभी आपको कुछ एक ऐसा डाइट चार्ट बताएंगे जो कि सवेरे नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बिल्कुल संतुलित मात्रा में आपको इसमें पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डाइट चार्ट में आपको क्या क्या लेना है। आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं उठते हैं तो उसके हिसाब से आपको हमने ये जो डाइट चार्ट दिया है वो एडजस्ट कर ले। सवेरे 7 बजे उठे बराबर गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का जूस डाले और पानी पी ले। अगर पानी तांबे के बर्तन में का हो तो बहुत ही उत्तम होता है। उसके साथ ही रात को भिगोए हुए 4 बादाम आप खा सकते हैं। ये हो गया मॉर्निंग का। उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। सवेरे 8 बजे दूध में 2 चम्मच शतावरी कल्प डाल दे और वो पी ले। उसके साथ ही आपको 1 या 2 वीट या फिर आपको ओट के बिस्किट खाने चाहिए और 2-4 ड्राई फ्रूट्स, और अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो आप फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके नाश्ते में जो भी प्रांतीय पदार्थ खाए जाते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं, जिसमें उपमा, पोहा, इडली, डोसा, उत्तपम या फिर कोई भी एक अच्छा सा चीला। तो इस तरह से आप ये चीज़ें अपने नाश्ते में ले सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 11 बजे नारियल पानी और एक फल आपको खाना ही खाना है। नारियल पानी आप रोज 1 ज़रूर पिए, 1 से ज़्यादा नारियल पानी बिल्कुल ना लें। अब जानते हैं दोपहर के लंच में। तकरीबन 1 बजे आप अपना लंच कर सकते हैं। लंच में आप कोई भी एक पराठा जिसमें आलू, पनीर, गोभी या जो भी पराठे आपको पसंद है और जो भी सब्जियां अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ दूध की खीर, रबड़ी, गाजर का हलवा, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी मिक्स दाल। ये आपका एक संतुलित लंच हो जाता है दोपहर में। उसके बाद आपको 4 बजे फ्रूट सलाद, वेज कटलेट या फिर थोड़ी सी चाय। अगर चाय आप नहीं पीते हैं तो काफ़ी अच्छा है, पर अगर आपको चाय पीना है तो दिन भर में बस आपको 1 कप ही चाय पीना है। इसीलिए चाय को पीते वक्त एक बिस्कुट या फिर कुकीज, कटलेट, इन जैसे चीज़ों का अपने आहार में समावेश रखें। रात को 8 बजे आप 1 या 2 चपाती या फिर फुलका खा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए। 1 सब्जी, कोई भी 1 सब्जी आप, वो भी रस्सेदार सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा रस्सेदार सब्जियाँ खाने की कोशिश करें। छाछ और सलाद, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप कुछ भी एक मीठी खीर खा सकते हैं। ये हो गया रात का लंच। देखिए, हमने इसमें बहुत सी चीज़ें काफ़ी कम मात्रा में दी है, पर आपकी डाइट ज़्यादा है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। रात के डिनर के बाद रात को 9 बजे आपको प्रोटीन वाला मिल्क पीना है।
दूध को गर्म करिए, उसमें प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए, डॉक्टर आपको ज़रूर प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करेंगे, और उसे पी लीजिए। पर ये प्रोटीन पाउडर पीने से पहले दो खजूर आप खाइए, उसके बाद ही प्रोटीन पाउडर आप पी लीजिए, ताकि आपको रात को भूख नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये एक आदर्श उत्तम डाइट चार्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं गर्भ संस्कार और गर्भोपनिषद का फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं नॉन वेज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। मेरे कुछ वीडियो में मैंने अच्छे प्रोटीन के सोर्स नॉन वेजिटेरियन भी सजेस्ट किए हैं, पर गर्भ संस्कार में इसे तामसी भोजन कहा जाता है, इसीलिए हम गर्भ संस्कार के इस श्रृंखला में आपको नॉन वेज रिकमेंड नहीं करते हैं। डाइट चार्ट, ये डाइट चार्ट आप पहले दूसरे तीसरे महीने में भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा उचित परिवर्तन आप अपने हिसाब से करिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको डबल खाना नहीं है, आपको आपके खाने में कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी है, जैसे कि सलाद, पानी ज़्यादा पीना, जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, इन जैसे चीज़ों को आपको ऐड करना है। लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है तो आपको ज़्यादा खाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाना है। ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी स्लो हो जाती है, इसलिए हर खाने के बीच में आपको 2 घंटे का अंतराल होना ज़रूरी है, और इन 2 घंटे में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना आप ज़्यादा पानी पियेंगे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपका जितना डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप जो भी खाते हैं वो अच्छी मात्रा में शरीर शोषित करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डाइट चार्ट, गर्भावस्था का पहला दूसरा तीसरा महीना और डाइट चार्ट। अगर आपकी कुछ सलाह और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।